हेलो वेल हेलो। या हाय, इज दैट आसिम? यस आसिम हाय, आई एम कार्तिक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सॉल्यूशन। मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। हाय सर। हाय। हाउ यू बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम? मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और जी काम सर, पूरा ठीक हो जाए, अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? है सर। मैं अभी जी भी, सर, जैसे अभी भी मैं, आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा मतलब एक्सक्यूज मी पूछना था कार्तिक, कि जो आसिम जस्ट फ्यूचर जस्ट होल्ड ऑन, में, आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे, या प्लीज टेल मी। सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचिंग करने में। सो चॉप ऑफ हिज हैंड इन, मुझसे मत बोलो ना, डन सर, मैं कर एंड लूंगा लिसन, कोनी से ऊपर ऊपर से काटना, राइट? जी। या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ। सर मैं यही पूछ रहा था अभी सॉरी टू आपसे इंटरप्ट कि कार्तिक जस्ट सर, जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको, सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, जी। राइट? सर हाँ गरम बिल्कुल तेल, बिल्कुल, और सुनो, या ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ हाँ जी सर, मैं या ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो एक्सक्यूज मैं मी, ये एक्सक्यूज मी, पूछ आई एम रहा था सो ना कि सॉरी आसिम, फ्यूचर आई एम में। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। सर सॉरी सुनील, एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक, सर नहीं किया है उसे। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस वही नहीं रहेगा। प्रॉब्लम थी आप सर एक काम करिए, जी। एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा कार्तिक था सर? बार बार या कि ये कम फ्यूचर ऑन, में। आई एम सर जस्ट जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना वेरी मेरे को। सॉरी सर, सर मैं या जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि कैजुअल रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर पहन क्या है, जी। उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर, मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है, अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है ऐसे ही सब कुछ होगा, जरूर छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है, गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ हेलो इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है, हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ये हेलो नहीं, कौन? प्रभात जी बोल रहे हैं, हाँ प्रभात बोल रहा हूँ प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो जी। छत्र फार्म परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहां से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार, एक आप, आपको मालूम है आप क्या करके गए यहां पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव, हाँ 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 याद आ हाँ गया, याद आ हाँ गया। हाँ हाँ ये आप बताइए क्या भाई, करके गए हो बताइए यहाँ पे, भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊँ आपको क्या हुआ, आपने आप आपको आपको होश था यहाँ पे, किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, वो नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा था, ये तो ने चढ़ा दिया मेरे को नहीं तो नीचे वो से। चढ़ाई में आए, नहीं मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया, आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है, मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार, इधर बेटा, अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते कुछ कहेंगे नहीं, नहीं क्या हुआ था नहीं पता, क्या हुआ था, ऐसे इन्होंने ऐसे डांस करा था, मैंने कैसे? खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी, मैं इतना बहुत आप डरा देख के रहे हो एक डांस कर मासूम रहे पे थे। क्या गुजरी है, हम सब ने इंजॉय मैंने करा, तो खाना कह रहे नहीं कि भाई तू खाया चढ़ मैंने। जा, तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखा दे, फोटो खिंचवानी है। फोटो हाँ के चक्कर में हल्का सा हाथ उठाया फिर तो झुन्नी बंद गई, फिर मैं क्या बताऊं। झुन्नी बन गई, नहीं तो ये झुन्नी बन गई, आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो, ये होश है आपको, कितनी देर तक डांस किया आपने? अच्छा भाई साहब आप आप पैर रहने हिला दीजिए, दिए आपसे बात थे। नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझ रहे हैं वाइफ ना, आ गई, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल नमस्ते तमीज भाभी, से नहीं, आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे? स्लो गानों में भी आपने इतना तेज तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ी हैं आपने, मार मार के घुटने भाभी अपने, जी मैं आपको पता शर्मिंदा नहीं है हूँ, क्या बहुत कैसे ज्यादा नाचा जाता है? शर्मिंदा पहली हूँ, बात। मैंने तो खुद अरे इनसे यही कहा, ना नहीं ना एक बात ना, बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी, जब आपको नहीं आता, आप पूरा घर परेशान है,
यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है, बताओ ये इन्होंने भी रोका आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, तू कर दी है इन लोगों ने, ये कैसे डांस किया था? अरे चलो डांस तक तो ठीक है, उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी, ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाभी जी ठुमके लगा रहा था मैं, ठुमके लगा रहे थे, अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने, अरे छी 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 छी, भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली, यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे के बाद, ये इधर आओ भाई साहब, भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा के, 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है, तेरी सारी ऐसी पैसे चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को, तो भाई साहब नाचो चौकड़ी बजा रहा हूँ, ढूंढ चुक नाचो भाई साहब, तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तो मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना, मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे आप, मतलब अपनी चला रहे हो आप? भाई साहब मेरी बात सुनो आप, या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो, तो ये मतलब क्या हो रहा है, क्या ये आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती हो गई, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर, माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। हाँ ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन नागिन बिल्कुल नहीं, डांस कर भी लो नागिन। सॉरी सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। हेलो रिया बोल रही हो? जी राम राम। हेलो हाँ बोलिए। ये तुम्हारा वो देखा हमने, इनसे बात हुई हमारी रिश्तों पे, मतलब रिश्ते के लिए फोन किया, मिलना चाह रहे थे तुमसे। आप करते क्या हैं? हम तो गल्ले पे बैठे हैं। मतलब ऐसे ही कोई जॉब वगैरह तो करते होंगे ना? ना काम है अपना, काम है, नौकरी ना है, गल्ले पे बैठे हैं हम, गल्ले पे मतलब पूरा हिसाब किताब रखे हैं, और कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो हमसे। बता दो भाई आपकी हॉबीज क्या है? संगीत में बहुत रुचि है हमारी, संगीत। अच्छा आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई तो ना पढ़े में, वैसे तो पढ़े में। कहाँ से करी आपने अपनी एजुकेशन? या ना गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा मैं तो यूँ सोच रहा था बाहर मिलेगा तो आप कहाँ खाना पसंद करो? मैं फॉलो करती हूँ तो मैं तो ऐसे बाहर से कुछ भी नहीं खा सकती। नहीं तो वो तो अच्छी बात है, हम भी कसरत में तो हम भी अब बहुत आ गए, कसरत तो बहुत करें, पूरे दिन कसरत में निकल जाओ, आधा आधा दिन निकल जाओ कभी कभी। हाँ जी के पापा भी आपके साथ ही रहे हैं? साथ ही पापा जी साथ रहे हैं, पिताजी हमारे। हाँ जी पापा करते हैं आपके? व्यवसाय है अपना, अपना काम है, मिलें फिर कभी। देखिए गंगाधर जी, गंगाधर ना है वो तो, बात यूनिवर्सिटी है गंगाधर, वहां से पढ़ाऊ, मेरा नाम प्रवीण है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब मुझे तो लगता नहीं है हम दोनों, मतलब थोड़े भी हम लोगों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है ना। कोई बात ना हो, कोई बात ना हो। ओके जी राम राम। हेलो हेलो इज दैट रिया? या हाय हाय रिया, दिस इज अंशुमन। यस वेयर डिड यू गेट माय नंबर? मैंने आपका नंबर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देखा था, सो आई थॉट आई विल गिव यू अ कॉल, हम बात कर सकते हैं। हाँ जी आपका नाम, सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम। अंशुमन। हाँ जी अंशुमन। ओके हाँ जी, तो आप करते क्या हैं? आई हैव माय ओन बिजनेस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई यूजुअली टेक केयर ऑफ द कैश फ्लो इनटेक जो भी है, सो या। ओके सो व्हाट एल्स डू यू डू, लाइक व्हाट डू यू लाइक टू डू, योर हॉबीज एंड स्टफ? हॉबीज आई एम इनटू म्यूजिक, you know, especially Bob Marley and Shawn Mendes. So I like Shawn Mendes. Oh my god, I'm his huge fan. Oh my god. Oh wow. To his song, the latest one, Senorita. I love it when you call me Senorita. Yeah, I love that song. I think we have a lot of things in common and you are quite alike. Meri personality bhi match kar rahi hai, mujhe to aapko sunke aisa lag raha hai. Yeah, I agree. I completely agree. Bilkul sahi baat keh rahi hain. Meet or something, don't you think? We should meet, of course we should meet, but like if I want to take you out, so kahan jana chahiye, what kind of cuisine are you into? Main thodi si health conscious hu, I would say I work out a lot. Oh great, I'm also a fitness freak. I hit the gym daily. Oh
that is so cool. Then we should meet some place jahan pe we can get, you know, healthy food options. Yeah, that'll be great. I don't know what to ask you, but okay, fine. Just tell me about your education. I'm a postgraduate from JIPS. Oh, that's so cool. So we can meet later, but do you want to ask me something before that? No, I think aap pata kijiye na mujhse, if you want to ask me anything about maybe my family, my relatives. So, how many people are there in your family? It's just the three of us, me, my father and my mother. Oh, and what does your father do? Hamare pitaji ki company mein kaam kar rahe hain, yaag pitaji. Hello? हमी देवे इनके पिताजी को काम यो ठीक है यो बढ़िया है हमने पहले क्यों काम सारी चीजें एक सी बताई है अगर हम गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से पढ़े हैं तो हम पढ़े लिखना है यो ससुरा जिप्स चला गया तो यो बढ़िया है हम पूरे दिन वर्जिश कसरत करें वो तुम्हारे समझ में ना रहो यो जिमिंग वर्कआउट एक घंटा करके आए या डोली दिख रहे हैं पूरे और सुर में हमने तुम्हें बताई हम गल्ले पे बैठे हैं यो भी तो कैश फ्लो वहीं से चला रहे हो गल्ले पे बैठ के कोई फर्क लग रहा हो या हमें हमने सुर में कह दी तुमसे संगीत का शौक है पूछ तो लेती कि संगीत कौन सा हो सके मैं भी बॉब मार्ले कह देता वाह ने कह दी पहले ही बॉब मार्ले वाह पे कह दी ओ सो कूल ऐसो है बात सुनो या को नाम है अंशुमन तुम्हें बड़ा बढ़िया लग रहा हो हमने प्रवीण कह दिया सुर में तुम्हें ना लगो बढ़िया हमें ना सुननी कोई बात ओ भाई तू मत करो यार शादी ढसन में जा रही बेकार में दिल देखते ना आजकल कोई अब बेकार की बात करे भैया हम रख रहे हैं फोन हम ना कर रहे मैं भी जा रहा हूँ गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में राम राम दीदी राम राम तीन गवाह है इश्क के एक रब हेलो बसंत हाँ बसंत बोल रहे हो आप कौन बोल रहे हैं आप बसंत मैं कॉलेज में था आपके साथ याद है काफी टाइम हो गया आप तो हाँ तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था आपसे बात करने आया था आपने कह दिया था शक्ल देखी है तूने अपनी हाँ तो नहीं कल मैंने आपको मार्केट में देखा था तो नहीं 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे क्या बकवास कर रहे है तू 80 किलो का देखा ना कल बड़ी शांति मिली दिल को इसलिए फोन किया था ओ कमीने सुन हाँ? तो वही है ना जग्गी है सौरभ में से कोई भी हूँ मेरे को बड़ा मजा आया कल 80 किलो का देखा मेरे दिल को जो गया मजा आ गया कल देख के कॉलेज के छिचोरे तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला मजा आ गया कल मजा तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है तुझे तो कोई आज भी नहीं पूछता होगा हाँ हाँ चल 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 आपका बोलने वाला पैसेट याद रख ले मैं कुछ नाराज थोड़ी मैं तो मजा आ गया कल बस देख के आए हाय 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 चल भाई चल 80 65 आके चाहे तो तोल ले 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए हैं शादी को समझा कुत्ता कहीं का हेलो Hi. Hi, who's this? Pritika. Yeah. Pritika Apoorv. Apoorv. Okay. You remember you saw me, I saw you in campus? Oh, yeah, hi. How are you? I'm good. I've never spoken to you earlier, but I saw you that day. Even I saw you, aap mujhe dekh rahi thi and you remember that day in college? Yeah. It was so cold that day, I remember. Yeah, I remember and you were not alone, you know. Aap akeli nahi thi wahan pe. So? you know, that day you were in black jacket. Yeah. You were looking really, really good. And आप बुक पढ़ रही थी और बुक से ज्यादा मेरी तरफ देख रही थी आप उस दिन प्रिटेंड कर रहे थे कि यू आर नॉट लुकिंग एट मी बट मैं आप ही को देख रहा था आई नो एंड आई रिमेम्बर यू वर नॉट अलोन आप अकेली नहीं थी राइट अपनी एक फ्रेंड के साथ थी या मानसी उसका नंबर मिलेगा नंबर या मानसी मानसी का नंबर बिकॉज शी इज सो प्रिटी आई
आई एम टेलिंग यू, मुझे देखते ही कुछ हो गया था. आई वाज थिंकिंग कि तो किसी तरह मैंने आपका नंबर लिया, बट आई डिडंट हैव मानसी's नंबर. मानसी का नंबर मिलेगा. हेलो, आर यू देयर? हेलो, हम लड़कों की दिल्ली होते हैं यार. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लड़के भी पहली बार में सिलेक्ट नहीं करते यार, हमारे भी दिल होते हैं. कैसा लगता है, दिल टूटता है यार. बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है. ऐसे हम लड़कों को बुरा लगता है जब पहली बार कोई लड़की मिलती है, हम जिसे पसंद करते हैं वो पटती नहीं हमसे, जिसे हम पसंद करते हैं वो पटती नहीं उसे. आगे एक लड़का एक लड़की को 2.5 साल तक देखता है, उसके बाद उसको पता चलता है इसकी शादी होने वाली. क्या गुजरती है लड़कों पे, यही मैं कोशिश कर रहा था कि यार आप भी हमारी बात समझा करिए. हम लड़कों के भी जज्बात होते हैं, हमारे दिल होते हैं. ये कमाल यार, हम किसी लड़की को पसंद करते हैं, वो आती है 2.5 साल के बाद, यू आर जस्ट अ फ्रेंड, हमें फ्रेंड जोन में डाल दिया यार, हमारे भी तो दिल होते हैं. अब पता चल रहा है जरा सा यार कैसा लगता होगा. यू जस्ट शट अप, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. बाद में बात करिए मुझसे. अरे नहीं चाहिए यार लोन, नहीं चाहिए. बाद में बात करिए, मुझे देख रहे हैं सर, बाद में बात करिए. आप होते परेशान हैं सर. नमस्कार, मैं वो हूँ, वो नहीं कहते हैं रेडियो जॉकी, वो मैं, और वो बनाता हूँ मैं, तो छोटा सा अंडा भी देता, नहीं अंडा नहीं देता, मुर्गा बनाता हूँ सर. मैं मुर्गा मुर्गा इनका बनाता हूँ, ये बड़े खुश इंसान है. नमा मिलाओ. हेलो, ये शादरू जी, बात कर सकता हूँ मैं? शादरू जी देखिए, इसको गलत मत समझिएगा. अभी मयूर विहार में जो फड्डा हुआ है, जो भी पंगा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसकी तरफ से बोल रहे हो. मैं तो बोल ही नहीं रहा. पार्टी ए है, पार्टी बी है. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उस रात हुआ क्या था. बुरा मानना, वो होना था जो है वो सबको पता है. मैं आपसे बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोल ही नहीं रहा. मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ मेरी बात सुन लो. मैं ये नहीं, आप किसी को सपोर्ट करो यार, गुंडागर्दी मचा रहे हैं. दो पार्टी आपस में लड़ रही है. मैं सिर्फ बता रहा हूँ, उस दिन हुआ क्या ये बताना चाह रहा था मैं आपको, सिर्फ इतनी बात. देख, हाँ जो भी था सबको पता. जज यार, जज किसने कह दिया आप? मैं जज का आपको नहीं कहा ना. मैं सोच रहा था आप मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था उसे. बस तुम कोई मुझे मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगा. मैं चाहता हूँ आदमी गलत फैसले ना ले. मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस रात हुआ क्या था, भैया सुन लो आप थोड़ी सी. हाँ जी बोलिए, चलिए. मैं सुबह उठा अर्ली मॉर्निंग, मैं जैसे रोज उठता हूँ मॉर्निंग में, मैं वहां गया. स्टूडियो बना हुआ है हमारी पड़ोस में. अच्छा वहां पे क्या हुआ, वहां स्टूडियो में बहुत सारे लड़के गाने सुन रहे थे, उन्होंने कान में वो लगाए हुए थे, उन्होंने बोलते ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, और एक तार भी हो तो तार को कहीं भी घुसोड़ लो तो आवाज आती है. वो नहीं होता क्या है? अच्छा हेडफोन? नहीं, हारमोनियम. अच्छा हारमोनियम लगा के मैं आगे चल दिया. अब मैं वहां पे गया, मेरे सामने बिल्कुल वो पड़ गया, वो नहीं होता जहाँ पे पैसे जमा करते हैं, एटीएम लगा होता है बराबर में, कैशियर भी बैठे होते हैं, सब आपस में बातें करते रहते हैं, भाई तेरे को कितने निकाल लिए, मेरे को चेक डालना. वो नहीं होता, गार्ड भी खड़ा रहता है बाहर, अंदर नहीं जाने देता बिना काम के. होता नहीं है बैंक? ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर. वो चिड़ियाघर पड़ गया रास्ते में, मेरे सामने चिड़ियाघर पड़ गया. अच्छा फिर मैं आगे गया बस पकड़ के उतरा, मेरे सामने वो था. वो नहीं होता बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, एम्बुलेंस आती है, कहते हैं हट जाओ उसकी तबीयत खराब है, हट जाओ जाने दो, एडमिशन ले लेते हैं. वो क्या होता है बड़ा सा जो होता है यार, जिसमें अंदर मरीज एडमिट होते हैं, डॉक्टर वहीं पे काम करने जाते हैं, एम्बुलेंस आती है, वहां पे पार्किंग भी होती है. हाँ मैं समझ गया. लाल किला कैसे यार? आपका मुर्गा बना रहा था, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है, और सुनिए गुस्सा करने से आदमी का वो जल जाता है, वो नहीं होता. अब छोड़ यार फोन कर दे, तो नाराज हो गया भाई. हेलो सर. हाँ जी सर, कहाँ पे हैं आप अभी? घर पे नहीं है क्या? नहीं मैं बाहर आया हूँ मार्केट तक. बताइए कौन? ममता के हस्बैंड बोल रहे हैं, आपका जो मेड है ममता. हम अभी घर आए तो बीवी जी भी नहीं है. ममता ही बोली है कि बीवी जी और साहब भी घर से बाहर है. सर कई बार सोचा था आपसे बात कर लें, लेकिन थोड़ा झिझक हो रहा था. नहीं देखिए
देखिए अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं तो वो मैं ऑलरेडी अभी अभी ममता जी के जस्ट थोड़ा टाइम पहले नहीं, वो तो हमको तो ममता ने बताया है कि आपने आपने भी 500 रुपए बढ़ा दिया है। वो ममता हम आपको बताया सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम अभी आप ही के घर से बात कर रहे हैं, ममता साथ में है सर, जरा ममता को 2 घंटे के लिए हम बाजार तक ले जा रहे हैं, इनको उनको मूलचंद का पराठा खिलाना था, बहुत दिन से सोच रहे हैं। अरे बट घर पे बच्चा अकेला है और मेरी वाइफ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। 2 घंटे में आ जाएंगे। अरे आप क्या आप होश में है क्या? आप मेरी बीवी बाहर है, मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे अकेला है और आप ऐसे घूमने निकल जाएंगे क्या? सर तो हम उसको पहले बोल दिए थे सिर्फ 2 घंटे की बात है सर, पराठा खा रहे हैं फिर आ रहे हैं, मुश्किल से ज्यादा थोड़ी जाएंगे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? बाहर जाने के पराठे खाने के पैसे देते हैं क्या हम लोग? इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही? घर पे रुकना तो घर पे रुकना। तो इतनी सी बात तो आपके भी काहे समझ नहीं आ रही है क्या? जब कंपनी ने आपको बोला है वर्क फ्रॉम होम तो ये गोवा का प्लान बनाने का जरूरत क्या है मिस्टर? आई एम सॉरी टू से अब मेरे को अपना आवाज बदलना पड़ेगा ताकि आपको और समझ में आए। तो देखिए हम मैं रेडियो मिर्ची पे कितना लोगों को ये समझाऊं और किस किस जुबान में समझाऊं, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। यार आप पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं, आपको मालूम है ये चीज कितनी आसान है ना आपके लिए कि वर्क फ्रॉम होम, जो मुझे पता चल गया कि आपने गोवा का टिकट बुक कर लिया है, आपको इस चीज पे शर्म नहीं आ रही? जिस चीज के लिए, और ये सोचिए इस वक्त जो हालात है ना, इतनी बड़ी बेवकूफी दिखाई है आपने, कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत इसलिए दी है ताकि आप सही वक्त पे काम कर सके, और अगर कोई भी इस बीमारी का शिकार है तो ये बीमारी ज्यादा ना फैले। दिल जल रहा था ना कि ममता को इस बात के पैसे देता हूं कि मैं घूमने के लिए, इसी तरह कंपनी का दिल जलता होगा। और सुनिए कंपनी भी नहीं हम सबका नुकसान कर रहे हैं यार आप इस तरह घूम के। यार आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रही बात? थोड़े दिन घर पे रुक जाइए, डिनर के प्लान्स, पार्टी के प्लान्स, गोवा जाने के प्लान, आउट ऑफ इंडिया जाने के प्लान्स पूरी जिंदगी कर लेने का अगर जिंदा रहोगे तो। और कभी आपने ये सोचा है कि अगर सोचिए ये बीमारी किसी को भी ना हो, खुदा ना खास्ता, इसका कितना आसान तरीका है, सिर्फ घर पे रहिए, सैनिटाइज करिए अपने आप को बार बार, लोगों से कम मिलिए बस, और काम करते रहे। अमित मैं आपको बता रहा हूं अगर आपकी तरह लोग लापरवाही करने लगेंगे काम में तो कोरोना से तो बच जाएंगे, इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी ना हम पे उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं सही बताऊं आपको बच्चे की फिक्र नहीं है, आप बेकार की बात कर रहे थे कि बच्चा घर पे अकेला है, बच्चे की फिक्र अगर वाकई में होती ना तो आप इस पर घूमने ना जाते। और कमाल की बात यह है कि जो जवान लोग हैं ना ये अपने ही चला रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं होगा हम तो सर्वाइव कर लेंगे। बात आपकी नहीं है, ये बात बूढ़ों और बच्चों की भी है, ये किसी की भी वजह से किसी को भी हो जाए इसमें कितने अफसोस की बात है यार। सिर्फ अपनी केयर करनी है और अपने बराबर वालों की ताकि वो आगे ना बढ़े। हाँ भाई मैं ऑलरेडी डबल माइंडेड था थोड़ा इस चीज को लेके कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ जाके। आप पहली बात तो डबल माइंडेड अब नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं क्लियर, ये मेरी मोहब्बत समझ लीजिए कि मैंने आपका नाम तक बताया नहीं है, पर मैं ये भी कर सकता था कि मैं आपकी कंपनी में ये ऑडियो भेज देता और आपका नाम पता चलता। यार इस बात को समझिए ना कि कंपनी को ट्रस्ट है आप पर, हम सब पर। आपको मालूम है मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है इस वक्त, मैं यही फिक्र करके कि यार आप लोगों को समझा दूं, ये बहुत बड़ी परेशानी है इंसानियत पर, लेकिन इसको खत्म करने की बहुत आसान तरीके हैं। लोगों से कम मिलिए, हाथ पैर साफ रखिए, बच्चों को समझाइए, एजुकेट करिए इसके बारे में। यार पिकनिक पूरी जिंदगी मना लेना यार। नहीं नवीद भाई आपने समझा दिया, मैं प्लीज आप ये जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे ऐसा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं फोन रख रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी थैंक यू नवीद सर, एंड आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, यू टेक केयर, बाय बाय। हेलो, मैं अविनाश जी से बात कर रहा हूँ। जी बोल रहे हैं। अविनाश जी नमस्कार, मैंने एक्चुअली आपका ये पेपर में भी देखा था और मेरे एक कलीग हैं उन्होंने आपका नंबर दिया था, आपका मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाजपत नगर में मैरिज ब्यूरो है। जी जी जी। तो मैं असल में मैं एज अ बाप मैं भी फिक्रमंद रहता हूँ औलाद की तरफ से कि भाई अब उम्र हो गई अब शादी कर लेनी चाहिए, तो मेरे को किसी ने बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जितने रिश्ते आपने कराए हैं वो काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे थे। अविनाश जी मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं काफ़ी तारीफें भी करी हैं, तो ये क्या प्रोसेस क्या है आपका, क्या प्रोसीजर होता है इसमें?
तो सर होता कुछ नहीं है, आप बस हमें डिटेल दे दीजिए जिनकी भी आपको शादी करानी है और हम सूटेबल पार्टनर ढूंढ लेते हैं, फिर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, आप अगर नोट कर लें, क्योंकि वैसे तो मैं पर्सनली आऊंगा आपके पास, आप नोट कर लीजिए। एज का मैं बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ, आप बताइए डिटेल बताइए। एज 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 आप एज नोट कर लीजिए, 29। ठीक है अविनाश जी, आप इनकम भी आप कृपा ऊपर वाले की के बच्चों को पढ़ाया तो इस लायक हो गए हैं। 15 लाख पर एनम का पैकेज है, 15 लाख। हाँ जी 15 लाख। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर डॉक्टर रेप्यूटेड डॉक्टर। या हाँ, तो इसमें बस यही है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक जो चीज़ कमी रहती है ना मेरे को, एज अ बाप मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि औलाद अपनी है तो ना बताएं, बस एक जो मेरे को कमी लगती है कि बाप की बात ना मानना, यू नो, कभी रात को घर देर से आना, फिर ये है कि दो दो दिन तक पता चला कंपनी का टूर गया हुआ था ये सब मेरे को नहीं, नहीं, लगती ये है। तो आजकल के बच्चों का जी चलता ही है। आप नाम बताएंगे बेटे का? अविनाश जी बेटा नहीं, बेटी। घूम गया सर आपका, और असल में अविनाश आप ही का नहीं, ये जितने लोग देख रहे हैं ना और जितने सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबका सर घूम गया कि ये हो क्या गया। अविनाश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। पिछले 2 सालों से एक भाई साहब आपके यहां जाते हैं अपने बेटे के रिश्ते के बारे में, और आप हमेशा उनसे ये कहते हैं कि अपनी बेटे के लिए बेटी ऐसी देखें जो घरेलू हो, सुशील हो, खाना अच्छा बना लेती हो। क्यों? और अविनाश एक बात बताऊं, ये गलती तुम्हारी भी नहीं है, ये गलती इस माशरे की है, सोसाइटी की है। ये ना हमारे दिमाग में आ गया था, असल में जब मैं ये बोल रहा था ना, ये सब लोगों ने समझ लिया होगा कि मेरे बेटे के रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं। ये जब सारी चीजें आती हैं तो इसमें बेटा ही क्यों जुड़ जाता है? ये किसी ने उसूल बना लिया था शुरुआत में? सर ये ऐसा शुरू से ऐसा ही होता है। तो होता होगा अविनाश, अब नहीं होगा ऐसा, अब रिश्तों में भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसी लड़की की शादी हो सकती है जिससे खाना बहुत अच्छा बनाना आता हो, एक ऐसी लड़की से शादी होती है। और सुनो मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत हैरत होती है अविनाश, और सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये ऑफिसेज में और ये इनके ऑफिस में भी होता होगा। अगर किसी लड़की का पता चल जाए कि वो मैरिड है, ऑफिस आती है और उसका एक बच्चा है छोटा 6 महीने का, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चा किसके पास है। ये बाप से क्यों नहीं पूछा जाता कि बच्चा किसके पास होगा ऑफिस देखने के बाद? जहां शादी की उम्र होने को आई, बस पीछे पड़ जाना कि शादी का क्या प्लान है, लेकिन लड़के के पीछे क्यों नहीं पड़ते कि शादी का क्या प्लान है? और सबसे शर्म की बात, शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखनी है या फिर छोड़ देनी है, यह फिक्र लड़कों को भी तो होनी चाहिए ना। अविनाश ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी भी नहीं है, ये कमियां हम सब में है। मतलब किसी लड़की को अगर गाड़ी की चाबी उसके हाथ में देख ली और वो चलाने की बात कर रही है कि तुम बैठ जाओ, तो सबसे पहला सवाल, सही चला लोगी? क्यों भाई, तूने बनाई है, तूने इजाद करी है? तू जब पैदा हुआ था तो गाड़ी में पैदा हुआ था और वो चल रही थी। सबको आती है, एक जैसी आती है गाड़ी चलानी, ये दिमाग से निकालो यार। परेशानी की बात ये भी है अविनाश कि अब भी हम यही समझा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बार बार ये कहता हूं कि इस बारे में बात करनी क्यों पड़ रही है हमें, ये तुमने कोई इतनी बड़ी गलती करी नहीं है, ये गलती हम सबसे हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके इन गलतियों को खत्म कर देंगे हम, ये दिमाग से निकाल देंगे कि जो मैं रिश्ते की बात कर रहा था ना, ये सारी क्वालिटीज एक लड़की में हो सकती हैं, बल्कि हैं। पूरी जिंदगी हो गई सुनते सुनते कि मां के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा, क्यों नहीं होता ये कि बाप के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा? जब हाथ बन रहे थे, जब जिस्म बन रहे था और हाथ बन रहे थे, तो उस पर लिख दिया गया था कि इन्हीं हाथों से रोटियां पकेंगी। तो सर आप एक काम करना ना, जब आपकी बेटी हो, हाँ, आप उससे रोटियां मत बनवाना, आप उसे पढ़ाना, तब आपको पता चलेगा। वैसे यही उम्मीद थी मुझे इनसे कि फोन काटेंगे। इस वुमेन्स डे काम करिएगा, जो ये कह रहे हैं ना वही करिएगा, अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाना और लिखाना है, रोटियां नहीं बनवानी, ताकि आगे चल के वो हजारों लोगों की रोजी रोटी चला सके। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो जी, जी सर, मैं ये बिट्टू बोल रहा हूँ, ये वर्कशॉप से आपने गाड़ी दी थी ना जिसके इंजन में प्रॉब्लम हुई है? यार गाड़ी का इंजन ठीक हो गया है यार, पता नहीं ये कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है, गाड़ी में तो ठीक ठाक छोड़ी थी। वही नहीं वो लड़के तो लगे हुए हैं काम पे। सर वो रीजन तो पता चल गया कि इंजन चीज क्यों हुआ है, लास्ट वीक हुआ है ना ये? 5 दिन में तुम्हें पता लग रहा है कि रीजन क्या है? नहीं, मैनेजर साहब ने कहा था, आपने पूछा भी था ना कि इंजन सीज क्यों है, सर ये वजह पता चल गई। मैं कह रहा हूँ आगे फ्यूचर में ख्याल रखना आप। अरे फ्यूचर में ख्याल रख लूंगा, 6-6, 5-5 दिन में तो सर्विस से जवाब दे रहे हो। नहीं नहीं, आई एम सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इंजन सीज क्यों है। सर असल में प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बता दूँ, इसमें सर क्या होता है, इसमें आई एम श्योर आपने जब गाड़ी चला रहे थे ना, एक्सीलेटर जो जब दबाते हो आप, तो आपके पैर के नाखून बड़े हुए हैं ना कुछ?
भाई एक बात बता मुझे, सर मेरे पैर के नाखून और एस्केलेटर से क्या लेना देना है? सर यही तो आपको नहीं मालूम ना सर, पैर के नाखून जब बढ़ते हैं ना तो पैर के नाखून से क्या होता है, डेंसिटी। यार आप एक तो गाली दे रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में क्या करना है। अरे तो पैर के नाखून और एस्केलेटर का लेना देना क्या भाई? सर पैर के नाखून बड़े होंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी आपका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा इंजन के आरपीएम ज्यादा हो जाएंगे, आरपीएम ज्यादा होने से। और सर ये नाखून की भी बात पूरी नहीं है सर, आपका इंजन पूरी तरह सीज नहीं होता, आपने डिक्की खोली होगी। नहीं नहीं डिक्की वही बता रहा हूँ ना, आपने डिक्की 100% उल्टे हाथ से खोली है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है, इंजन सीज हुआ है। ये इंजन और ये नाखूनों के इनसे क्या लेना देना, पागल है? अगर इंजन और नाखून का कुछ लेना देना नहीं है तो कोरोना और देखने का क्या लेना देना है? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है, क्या बोल रहा है ये बहुत जरूरी है। जो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन मत काटना मेरी बात सुनो, इस वक्त ये बहुत जरूरी है तुम्हें बताना, और तुम्हें ही नहीं पूरी दुनिया को बताना। ये क्या बकवास करते हो तुम, फेसबुक पे क्या लिखा है तुमने कि किसी को अगर कोरोना है, अगर वो किसी को देख भी लेगा तो दूसरे आदमी को कोरोना हो जाएगा। तुमने ये तक पोस्ट कर दिया कि किसी को अगर बुखार है तो उसमें फोन तक बात मत करो उससे। अरे भाई ये तो मैंने पोस्ट कर दिया, तो ये भी तो आया तुम्हारे पास जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैर के नाखून बड़े रहेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा, ये भी करोगे तुम मारे लगे? नहीं नहीं भाई ये तो ना करो, ये तो पागल बात होती है। तो वो भी तो पागल बात है, तुमने आगे कर दी। मैं तुम्हें फोन पता है क्यों कर रहा हूँ, इस वक्त कोरोना से इतना खतरा नहीं है, जितने कोरोना से जुड़ी हुई है जो रूमर चल रहे हैं ना, जितनी ये बकवास बातें चल रही हैं इससे ज्यादा खतरा है। हम वैसे ही इतने सब परेशान हैं, इस बीमारी से लड़ना है हमें, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी होती है जब तुम जैसे लोग ऐसी बेवकूफी करते हैं और पता नहीं कितने हजारों लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर वो अपनी अकल नहीं लड़ाते, वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। हर दूसरा आदमी कोरोना में डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन गया, यार ये मत करो प्लीज। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कोरोना को रोक लेंगे, ऐसे दिमागों को कब रोकेंगे यार हम, इस वक्त जब इंसानियत पे वैसी बहुत परेशानी है, इंसान खुद परेशानी क्रिएट कर रहा है कि नहीं रूमर्स बना दो, बालों से होता है कोरोना, देखने से होता है कोरोना, किसी से फोन पे बात मत करो कोरोना होता है, अगर मुझे कोरोना है तो तुम्हें हो गया अब तक कोरोना? यार जो मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैं कितने बेवकूफ हो यार तुम, मैं ऐसे कभी किसी से बात ही नहीं करता हूं। तुम्हारी टाइमलाइन पे जाके देखा था मैंने, तुम्हारी टाइमलाइन पे पिछले 5 दिन से यही चल रहा है, कोरोना ऐसे भी हो जाता है वैसे भी हो जाता है। तुम जानना चाहते हो, बल्कि तुम नहीं आप सब जानना चाहते हैं, ये बेवकूफ लोग बहुत डराते हैं, इनको खुद को अकल होती नहीं, प्लीज अपनी अकल लड़ाइएगा। और राजू तुम फोन मत काटना, ये डॉक्टर हैं, ये बताएंगे कि कोरोना किन चीजों से होता है। डॉक्टर जरा प्लीज इन जैसे लोगों को बताइए कि किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये फोन लाइन पे है मेरे साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जरा प्लीज बताइए किन किन चीजों से फैलता है कोरोना। देखो मैं कोरोना के बारे में एक ही बात बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर आपको किसी तरह से भी कोई खांसी जुकाम बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या रनिंग नोज है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप मास्क लगा सकते हैं और परिवार में या बाहर वालों से थोड़ा सा 1-1.5 मीटर का गैप पे बात करिए, अदरवाइज सोशल मीडिया पे अफवाहें मत फैलाएं कि ये कैसे फैलता है, टेलीफोन से बात करने में कोई भी किसी तरह से भी अफवाहें मत फैलाएं, ये एज ए डॉक्टर भी बताना चाह रहा हूँ आपसे और एज ए जनरल पब्लिक भी बताना चाह रहा हूँ, इट्स ऑल राइट। एंड डॉक्टर गुप्ता ये भी क्लियर कर दीजिए जो सुन रहे हैं, हाँ जी, कि किसी को देखने से कोरोना नहीं, नहीं देखने से बिल्कुल भी कोरोना वायरस नहीं फैलता। अब मेरे ख्याल से दिल्ली आप सारी बात समझ गए होंगे। डॉक्टर गुप्ता थैंक यू सो मच और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना जल्दी चला जाएगा। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। समझ गए तुम? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू नवाज भाई, अब तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी जिंदगी में, मत करना। और सुनो जितना कोरोना फैल रहा है ना, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसी चीजें ज्यादा फैलाएं, तो बताओ अब लोगों को जाकर कि कितनी चीजों से हो रहा है कोरोना और कितनी चीजों से नहीं होता। कोरोना से मरे ना मरे, इस जहालत से और बेवकूफी से मर जाएंगे हम लोग। आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम्हारे पेज पे आकर जितने लोगों ने फॉरवर्ड किए उन सबको बताओ कि इस चीज से नहीं होता कोरोना। मैं करूंगा, मैं करता हूं, थैंक यू। हेलो, क्या मैं पंकज से बात कर सकता हूँ? मैं पंकज जी बोल रहा हूँ। पंकज हाय, पंकज मेरे को पता चला था आप थोड़ा सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और यू आर लुकिंग फॉर सम कॉलेज एडमिशन। आई एम, यस यस, हाँ जी। या क्या क्या कहना है, कहना है नो, आप किस चीज में एडमिशन लेना चाहते हैं?
तो सर मैंने अभी अपनी 12th कंप्लीट करी है और अभी ग्रेजुएशन में को बीटेक करना है सर। ओह दैट्स ग्रेट, बीटेक करना है। फिर तो सर आपने बिल्कुल, मैंने सही आपको कॉल कर लिया। तो सर आपको फिर तो हमारे कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप मेरे को बता सकते हैं कुछ? सर इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि मैं आपको कुछ क्वेरी हो तो सर आप विजिट भी करिए ना एक बार आके। आप बीटेक में देख रहे हैं? बीटेक में जी, बीटेक में। आप प्लीज विजिट करें ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा एग्जैक्टली, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा ग्रेटर नोएडा में। और सेमेस्टर कितने होंगे आपके यहाँ? सर सेमेस्टर आपके जितने भी होंगे वो होंगे 32 एकड़ के अंदर अंदर, और सिर्फ 32 एकड़ नहीं, लश ग्रीन ग्रास जिसमें व्यू अच्छा बहुत बनता है, तो उसके सामने बैठ के आप दे सकते हो सेमेस्टर। ये मैं पता कर लूंगा कितने सेमेस्टर है। सर फीस क्या होगी? सर फीस स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, एरोबिक, ये सब मिला के पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, इसके अलावा, इसके अलावा वैसे 700 रुपए है, वैसे 700 रुपए अगर इसको आप हटा देते हो, और अगर सब इंक्लूड कर लें 1,75,000 पर सेमेस्टर। अच्छा सर प्लेसमेंट का, जैसे आपने पूछा प्लेसमेंट का, तो मैं बता दूं जैसे हमारे यहाँ शाहरुख, बादशाह, जस्सी गिल और एक हमारा डीजे चेतस, ये सारे आ चुके हैं सर। इन सबका प्लेसमेंट से क्या लेना है सर? नहीं अच्छा वैसे पूछ रहा हूँ मैं, तो वैसे बता रहा था जैसे हमने पहले शाहरुख को बुलाया तो प्लेसमेंट हमने सही रखा ना, पहले शाहरुख बुला लिया एक बार बना दिया, फिर बादशाह आ गया, फिर यह है कि बादशाह, फिर जस्सी गिल, ऐसे प्लेसमेंट। नहीं नहीं मैं तो वो प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। आप वो वाला पूछ रहे हो क्या, जॉब वाला? हाँ जॉब वो मैं पता कर लूंगा, वैसे अभी क्वेरी आई नहीं है उसकी, कोई पता करके अगर पता चलता है बता देंगे। आप मेरे को बता सकते हैं क्लासेस कब कब? क्लासेस मैं आपको बताता हूँ सर, वीक में मंडे फेस्ट है, फेस्ट के बाद फिर 2 छुट्टी देनी है स्टूडेंट को, फिर अपना वेंसडे हम इसको बुला रहे हैं डीजे चेतस को, आई थिंक फ्राइडे अगर डेविड गेटा नहीं आता तो फ्राइडे शायद क्लास हो रही है, अगर अगर कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाता है ना डेविड गेटा का तो हम शायद फ्राइडे हो जाती है क्लासेस। ये हॉस्टल का क्या है सर? ये तो आपके पैकेज पे डिपेंड करता है सर, हॉस्टल का तो ये है हमारे रूम जो मैरिड में भी हैं, ताज में भी हैं, ओबेरॉय में भी हैं, तो कहीं भी हम आप रुक सकते हो। बेसिक नहीं है कोई? बेसिक सर हमारे जो रूम है उसमें भी कोटा का मार्बल लगा हुआ है, 4x6 का मार्बल है सर, मार्बल में आप सिंगल पीस मार्बल होता है, आप ये देखना उसमें ना क्रैक भी नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल सिंगल पीस मार्बल है, एसी फुल्ली एसी एवरी रूम। आप एक बार विजिट तो करो सर। ये आपका पड़ता कहाँ पर है सर? मैं एग्जैक्टली तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप नोएडा में कहीं से भी निकल लो, हर 15 मीटर पे ना एक लड़का खड़ा होगा अपने हमारा पैम्फलेट लेके, वो इशारा करते रहेंगे आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ह्यूज कैंपस सर, 32 एकड़ जिसमें से 6 एकड़ कोटा मार्बल। आप बुक्स भी आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं? बुक्स? बुक्स क्यों सर? बुक्स पढ़ाई करने के लिए? नहीं डिपेंड करता है ना आप किस में, एसी रूम में पढ़ोगे या नॉर्मल रूम में? एसी रूम में क्योंकि तो बुक्स रखी हुई है, एसी रूम में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है सर, अगर स्प्लिट एसी रूम में आप कर रहे हो ना जिसमें स्प्लिट लगा हुआ है तो उसमें बुक के साथ नोटबुक भी फ्री है, लेकिन आप नॉर्मल विंडो में पढ़ते हो तो नोटबुक आप घर से ले आना। सर वाई डोंट यू गो फॉर प्लैटिनम पैकेज जिसमें आप और आपके पापा भी पढ़ सकते हैं दोनों? आप प्लैटिनम लो ना पूरा, हम 3 एडमिशन कर देंगे आपके परसेंटेज पे। आपकी कितनी 90 है सर? आप 30-30 में 3 के करवा लो, भाई के करवा लो, पापा का भी एडमिशन कर देंगे, प्लैटिनम में तो हम 3 के कर देते ना। नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो हमको कौन सा पढ़ाना है? आप मार्बल देखो ना आगे 16 एकड़ फुल्ली मार्बल, फुल्ली एसी सर, जकूजी। हेलो, हाय। यस अंकल ने तो बताया होगा आपको मेरे बारे में? नहीं मुझे बता दिया था, सो आई थॉट दैट आपको भी पता होगा। मैं ओ हाँ मेरे को बताया था उन्होंने, मैं आपके बारे में एक्चुअली सोच रहा था, तो कैसे हो आप? ओहो ऑलरेडी सोच रखा है? वैसे हमने भी बहुत सारी चीज़ें सोची है आपके बारे में, सिर्फ मैंने ही नहीं मेरे पापा ने भी बहुत कुछ सोचा है, और इसलिए तो कॉल भी लगाया है ना आपको, बात करेंगे पापा भी। अच्छा उससे पहले पूछना था, व्हाट डू यू डू? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, पापा का बिजनेस है, 4-5 फैक्ट्री हैं कपड़ों की, तो ज्यादा कुछ मेरे को नहीं करना पड़ता। अच्छा और अगर हॉबीज की बात करूं, व्हाट डू यू लाइक? ऐसे घूमना फिरना, ट्रैवल करना, महंगी महंगी गाड़ियां रखता हूं, ऐसे लग्जरियस लाइफ जीने की आदत है, और तो ज्यादा कुछ हॉबीज नहीं है। किससे बात कर रही है बेटे? पापा ये। अच्छा अच्छा बेटा कैसे हो? सही कौन अंकल? कोई बात नहीं, जीता रहे। हाँ बेटा क्या करते हो?
हाँ तो वही मैं यही बता रहा था कि ऐसे फैमिली बिजनेस है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वही थोड़ा बहुत उसके उसको ही संभालता हूँ मैं। पापा, ये ज्वेलरी मुझे ना थोड़ी ठीक करानी है, आप बात करो, मैं आती हूँ। ये ज्वेलरी टूट गई तेरी, इसको रिपेयर करा ले। ठीक है, ओके। ज्वेलरी रिपेयर क्यों करानी है, नई ले लो ना। नहीं लेने के, चलो वो बाद में सोच लेंगे। एक्चुअली ज्वेलरी तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे नहीं लेनी चाहिए अगर कुछ खराब हो जाए तो, और वैसे भी मतलब मैं तो 24 कैरेट गोल्ड ही पहनता हूँ, मैं प्रेफर वही करता हूँ। तो रहते कहाँ बेटा, रहते कहाँ अंकल? एक ठिकाना हो तो बताऊँ, ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। एक हमारा घर जीके में है और एक फार्म हाउस है छतरपुर में, और बाकी मैं दिल्ली ज्यादा रहता नहीं हूँ तो ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। और बाकी ये कोविड खत्म हो तो मेरे को लंदन भी जाना है, तो वहाँ पे भी एक फ्लैट है अपना डुप्ले, तो वहाँ भी आता जाता रहता हूँ। बस ये कोविड की वजह से थोड़ा इंडिया में फंसा हूँ, वैसे तो बाहर ही होता हूँ मैं ज्यादातर। बड़ा वैसे ही मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, अब की तो सारी चीजें पता है, पाला है बच्चे को, आपका एम क्या है, मतलब क्या एम क्या है, मकसद क्या है? अंकल मैं अभी को भी बता रहा था कि मेरे को ऐसे लग्जूरियस गाड़ियाँ खरीदने का बहुत शौक है, चलाने का बहुत शौक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल यही है मैं कि मैं जो सबसे पहली गाड़ी हो टेस्ला की वो मेरे पास हो, तो बात चल रही है उनके साथ भी। मतलब इंडिया में जो पहली टेस्ला हो वो आपके पास हो? हाँ जी। अरे वाह, अरे वाह। आपके पापा क्या करते हैं बेटे? पापा की करोल बाग में 4-5 दुकानें हैं, और मैंने बताया कि फैक्ट्रीज भी हैं, तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, तो कभी कभी तो याद भी नहीं रहता कि क्या क्या करते हैं हम, तो अभी बस ऐसे ही है, चल रहा है। अंकल आप क्या करते हैं वैसे बाय द वे? मैं इनकम टैक्स में सीनियर ऑफिसर हूँ बेटा। टेस्ला दिलवाऊंगा इसे पहली।